करते क्या है हम तुम्हारा? कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गोश्रण नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, मैंने पास बता कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूं। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूं। राधे शाम में प्रभास के साथ दिखाई देने वाली पूजा का कैसा रहा फिल्मी सफर? पहली फ्लॉप के बाद पूजा को कैसे मिला दूसरा ब्रेक? साउथ के बाद क्या पूजा अब कर रही है बॉलीवुड में एंट्री? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की फ्रेश न्यू वीडियो में, जहां हम बात करेंगे फिल्म राधे श्याम के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहें। पूजा हेगड़े भारतीय मॉडल एक्ट्रेस हैं, जो 2010 की मिस यूनिवर्स इंडिया की सेकंड रनर अप रह चुकी हैं। पूजा हेगड़े का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ और उनका परिवार कर्नाटका के उडुपी से ताल्लुकात रखता है। पूजा हिंदी भाषा के अलावा अंग्रेजी, कन्नड़ और तमिल भाषा का भी ज्ञान रखती है। पूजा को अपने कॉलेज के दिनों से ही फैशन और मॉडलिंग का काफी शौक था, इसी कारण वो स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी इन सारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करती थी। 2010 में मिस यूनिवर्स इंडिया की सेकंड रनर अप होने के बाद पूजा को साउथ इंडस्ट्री से फिल्म के ऑफर आने लगे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म मुगमोदो से की। पूजा को अब रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस का ऑफर मिला है, जिसे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी वापसी के रूप में देख रही हैं। पूजा का मानना है कि किसी भी कलाकार की उसकी पहली फिल्म उसके अंदर की ताकत का पता बताती है। पिछले साल रिलीज हुई अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और बॉबी देओल की फिल्म हाउसफुल 4 में भी पूजा का एक अहम रोल था। पूजा ने कहा कि उसके बाद वो बाकी कॉन्ट्रैक्ट में बधी हुई थी, जिसके बाद वो इस फिल्म के बाद कोई भी हिंदी फिल्म नहीं कर पाई। पूजा बताती है कि उनकी पहली हिंदी फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उनका दिल टूट गया था, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में उन्हें एक के बाद एक किरदार मिल रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने हिंदी फिल्मों को साइन करना इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि पूजा को एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट और एक स्ट्रॉन्ग फिल्म की तलाश थी। हाउसफुल 4 की सफलता के बाद पूजा अब रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस में रणवीर सिंह, जैकलीन और वरुण शर्मा के साथ नजर आएंगी। पूजा को रोहित शेट्टी की फिल्में काफी पसंद हैं। उन्होंने बताया कि जब फिल्म सिम्बा रिलीज हुई तो ये फिल्म उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर देखी थी। वो आगे बताती हैं कि जैसे ही अजय देवगन की एंट्री होती है उन्होंने वहाँ पर सीटी भी बजाई। रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस के बारे में वो बताती हैं कि ये फिल्म एकदम मसाला है। पूजा का मानना है कि भले ही ये फिल्म विलियम शेक्सपियर के नाटक पर बेस्ड है, लेकिन बनेगी तो रोहित शेट्टी के ही अंदाज में। पूजा ने अपने सह कलाकार रणवीर सिंह की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ शूटिंग करेंगे तो ये उनके लिए तारीफ की बात होगी, क्योंकि उनका हाई जोश सेट पर काफी ताजगी बनाए रहेगा। आपको बता दें कि सन 1982 में गुलजार की फिल्म अंगूर की कहानी भी इसी पर आधारित है। इसके बाद अब पूजा राधे श्याम में प्रभास के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। आपको क्या लगता है कि क्या पूजा की करियर को इस फिल्म से ब्रेक मिल सकता है? आप अपने व्यूज हमारे साथ कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस फिल्म की और ग्लैमरस दुनिया की नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।